दोस्तों एक बात कहूँ, बुरा ना मानना, आप लोग डेली इतनी ज़्यादा वीडियोस देखते हैं ट्रिक्स की और इम्प्लीमेंट भी करते होंगे, है ना? तो क्या उससे आपके कभी व्यूज़ बढ़े हैं? मतलब आज आपने ट्रिक्स को इम्प्लीमेंट किया, ट्रिक को, और सुबह देखा आपके व्यूज़ बढ़ गए, और पाँच दिन बाद देखा वाओ 100 व्यूज़ आते थे, 500 आने लग गए, ऐसा नहीं ना हुआ? समटाइम ऐसा होता होगा कि आपने ट्रिक को इम्प्लीमेंट किया, आपके 100-100 व्यूज़ आ रहे थे और आपके व्यूज़ ही डाउन हो गए, 50-50 आने लग गए, 20-20 आने लग गए, यानी कि उसका नुकसान ही हो गया। ऐसा हुआ है ना? क्यों होता है? क्योंकि कुछ लोग ना अपने व्यूज़ के चक्कर में आपको फालतू फालतू ट्रिक्स बताते हैं जो कि उन्होंने खुद इम्प्लीमेंट नहीं की होती, बस अपनी वीडियो बनाने के चक्कर में। उनको क्या मतलब कि किसी का चैनल बर्बाद हो रहा है, तबाह हो रहा है, डेड हो रहा है, वो बता देते हैं, आप इम्प्लीमेंट करते हैं जिससे आपके चैनल के और इम्प्रेशन डाउन हो जाते हैं। दोस्तों आपने टेंशन नहीं लेनी, दो चीज़ें होती हैं, एक चीज़ होती है ट्रिक, ठीक है? ट्रिक जो है ना इसका फ़ायदा भी है, ठीक है, अगर चल जाए तो व्यूज़ आ भी जाते हैं, ना चले तो इसका नुकसान भी है। दूसरी चीज़ होती है हकीकत। अगर आपने हकीकत समझ ली ना, ठीक है, हकीकत कि व्यूज़ असल में आते कैसे हैं, अगर ज़ीरो व्यूज़ हैं तो ज़ीरो से 100 व्यूज़ कैसे आएंगे, 100 से 1000 कैसे आएंगे, सब्सक्राइबर ज़ीरो से कैसे बढ़ाएं और इसको बरकरार कैसे रखें, अगर 100-100 व्यूज़ आ रहे हैं इसको बरकरार कैसे रखें, डाउन हो गया तो इसको दोबारा अप कैसे करें, इसको अगर समझ लिया ना तो सारी ज़िंदगी मतलब आप दुआएं ही देंगे, मतलब आपके व्यूज़ आएंगे, सब्सक्राइबर आएंगे, किसी चीज़ की टेंशन नहीं होगी, इसका कोई साइड इफेक्ट नहीं है, इसका फ़ायदा ही फ़ायदा है। अब ये हकीकत क्या है दोस्तों? असल जो हकीकत है ना, इसका ताल्लुक यहाँ से है। अब बच्चे भी मेरी वीडियोस देखते हैं, वो कहेंगे भाई यहाँ से कैसे व्यूज़ आएंगे, यहाँ से कोई YT स्टूडियो खोल के उसके अंदर से बताओ कैसे ट्रिक लगाने और व्यूज़ आएंगे। ये उन लोगों को मेरी बात समझ में आएगी जिन्होंने मतलब ज़िंदगी में थोड़े धक्के खाए हैं, ठीक है, वही हकीकत को समझ पाएंगे कि हाँ यार सच्ची बात तो यही है, बाकी तो वैसे ना चूरन ही है, ऐसे लोग ना बस बताई जा रहे हैं और अपने व्यूज़ बढ़ाई जा रहे हैं और हम वहीं के वहीं खड़े हैं। तो दोस्तों जो चीज़ मैं आपको बताने वाला हूँ ना, शायद ही किसी यूट्यूबर ने आपको ये बताई हो, तो ध्यान से समझ लेना, आप लोगों के मतलब ऐसे व्यूज़ और सब्सक्राइबर बढ़ेंगे कि आप याद रखेंगे। दोस्तों मैं आपको एग्जांपल से समझा देता हूँ, फिर यहाँ वाली जो कन्फ्यूजन है ना वो क्लियर हो जाएगी। दोस्तों यूट्यूब की मिसाल ऐसे है जैसे स्प्रिंग है ना, मैं मिसाल इसलिए दे देता हूँ ताकि आपको आसानी से समझ आ जाए, जैसे स्प्रिंग है ना, मतलब वहाँ से लेके यहाँ तक इतना बड़ा स्प्रिंग है, उसको अगर हम दबाएंगे ऐसे तो छोड़ेंगे क्या होगा, फ़ौरन से वो पीछे आएगा, है ना, हमें भी धक्का देगा, अगर ज़ोर लगाते 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 एंड पे जाके भी उसको छोड़ देंगे ना, वो वहाँ पर रुका नहीं रहेगा, फिर धक्का देगा और फिर हमें वापस ले आएगा। ऐसा ही है ना YouTube पे, क्या होता है, आप एक वीडियो डालोगे ना स्प्रिंग समझो, एक वीडियो आपने डाली थोड़ा सा आगे गए, दूसरी वीडियो डाली थोड़ा सा आगे गए, तीसरी गई, अब आपने अगर यहाँ पे नागा डाल दिया ना तो स्प्रिंग ऐसे धक्का मारेगा फिर वापस। समझाता हूँ आपको, थोड़ी सी समझ आ गई है लेकिन थोड़ा डिटेल से समझाता हूँ। यहाँ पे अगर आपने एक वीडियो डाली, ठीक है, स्प्रिंग थोड़ा सा आगे चला गया, दूसरी वीडियो डाली स्प्रिंग थोड़ा सा आगे, तीसरी वीडियो डाली स्प्रिंग थोड़ा सा, यहाँ पे आपने आके नागा डाल दिया, अब यहाँ से जब नागा डाला ना तो ये स्प्रिंग दोबारा वापस यहाँ पे आ जाएगा, यानी कि जिस स्टेज पे आप थे वहीं पे दोबारा वापस आ जाएंगे। तो अगर जिस दिन आपने डेली वीडियो डाल डाल के अगर आप स्प्रिंग को ऐसे फुल जाके दबा दिया तो उस दिन से ही आप कामयाब हो जाओगे, यानी कि कोई आपकी वीडियो वायरल हो जाएगी। ये ऐसे समझ नहीं आएगा, मैं थोड़ा सा मज़ीद डिटेल से समझाता हूँ। वीडियो वायरल हो जाएगी, मान लो एक वीडियो पे 1,00,000 व्यूज़ आ गए, तो जब 1,00,000 लोगों ने देखा तो उनमें से कोई 10,000 लोगों को तो आपकी मतलब वो वीडियो पसंद आई होगी ना, उसके बाद वो आपकी न्यू वीडियोस भी देखेंगे और आपकी न्यू वीडियोस पे व्यूज़ आएंगे। तब करना क्या है दोस्तों, आप कोशिश करें कि आज से ही अपने आप से वादा करें कि कब तक ऐसे मतलब थोड़ा सा काम किया छोड़ दिया, थोड़ा सा ऐसे मतलब 1,000 वीडियो भी डाल दोगे ना नागे डाल डाल के, कुछ भी नहीं होने वाला। डेली वीडियो डालो, 100 वीडियो तक अपना टारगेट बना लो, आज से ही, मैं सही बता रहा हूँ। मैं आपको एक चीज़ क्लियर कर दूँ, मुझे 4 साल हो गए हैं यूट्यूब पे काम करते हुए, मैंने जो फर्स्ट टाइम ज़िंदगी में जो 1,00,000 रुपये कमाया था ना, वो तकरीबन मैंने कमाया था 2.5-3 साल बाद, मुझे तब समझ में आया था कि यार ये कैसे कमाते हैं यूट्यूब से पैसे। वो ज़ाहिर अच्छे व्यूज़ आए थे तब भी तो 1,00,000 कमाया था, अब वो कैसे व्यूज़ आए थे दोस्तों? वो आए थे कि मैं कंसिस्टेंट हो गया था, यानी कि डेली वीडियो पे आ गया था, मैंने दो भी डालना शुरू कर दी थी, बुरा हाल हो गया था पसीने से और मतलब मत बज गई थी जिसको कहते हैं ना, वो वाला सीन हो गया था, लेकिन यह कि मेरा चैनल चल गया और उसके बाद कसम वाली बात है हर महीने 1,00,000 से ऊपर ही आए थे। ये चीज़ मुझे समझ आ गई कि एक दफ़ा मतलब कर लिया ना काम, जोर लगा लिया धक्का, उसके बाद फिर धक्का लगाने की ज़रूरत नहीं है, अब तो 5-7 वीडियोस भी डाल दूँ तो इतने कमा लेता हूँ, अल्लाह का शुक्र है। तो आप लोग भी एक दफ़ा अगर मेहनत करके चैनल को चला लिया
फिर टेंशन नहीं है, फिर डेली नहीं भी डालेंगे ना मेरी तरह कुछ भी नहीं होगा। मैं पहले क्या कर रहा था, मुझे 250 मतलब क्यों लग गए कि मतलब मैं इतने कम व्यूज़, 1.5 साल तक तो 1000 सब्सक्राइबर ही नहीं हुए मेरे, 1.5 साल तक जब 1000 हुए उसके बाद भी इतने अच्छे व्यूज़ नहीं है कि अच्छे पैसे कमा सकूँ। क्यों? क्योंकि मैं एक दिन वीडियो डालता, 2 दिन 3 दिन 4 दिन 5 दिन 6 दिन, फिर लगता है यार कोई देखता तो है नहीं है, एम ही खप रहा हूँ, एम ही इतनी वीडियोज़ बना रहा हूँ, तो क्यों ना मैं मतलब ना ही डालूँ, थोड़ा रेस्ट ही कर लूँ यार, मतलब व्यूज़ ही नहीं आ रहे, पता नहीं कहाँ पे गलती है क्या नहीं है। तो मतलब अब प्रॉब्लम जो थी वो यहाँ पे थी, मतलब कन्फ्यूज़ ही रहता था यार, डालने से क्या फ़ायदा होगा यार, चल ही नहीं रहा यार, क्या करूँ क्या ना करूँ, बस यहाँ पे परेशान रहता था, जिसकी वजह से क्या होता था मेरे व्यूज़ डाउन हो जाते थे। जहाँ तक मैं पहुँचता था, मतलब मैंने कभी मोटिवेशन आ गई, कोई वीडियो देख ली तो मैंने मान लो 20 वीडियो डाल दी डेली, अब मेरा चैनल यहाँ पे पहुँच गया, मतलब थोड़ी सी और हिम्मत करने की देर है फिर मैं छा जाऊँगा, लेकिन उस दिन फिर नागा डाल दूंगा, फिर दोबारा रिवर्स जीरो पे, फिर दोबारा मेहनत करनी पड़ेगी। तो इसलिए दोस्तों आज से वादा करो कि कब तक धक्के खाने हैं, धक्के खाने हैं तो इसी तरह भले 500 वीडियो डाल दो, कुछ भी नहीं होने वाला। अपने आप से वादा करो कि यार एक दफ़ा मेहनत कर लो, स्प्रिंग को पूरा दबा दो, धक्का लगा लो, कामयाब हो जाओ, तो 100 वीडियो डाल दो, ठीक है, बिना नागा, रोटी खाओ या ना खाओ डेली वीडियो डाल दो। मैं सही बता रहा हूँ, टाइम नहीं है, निकालना पड़ेगा, मैं कामयाब होना है, लाखों कमाने हैं तो टाइम तो फिर एडजस्ट करना पड़ेगा, रातें जागनी पड़ेंगी, मतलब हो सकता है कि गर्मी में पसीने से बुरा हाल हो जाए, बुखार भी हो जाएगा, इन दिनों बुखार हो जाए, फिर भी आप वीडियो डाल रहे हो, हिम्मत कर रहे हो, ऐसे ही कामयाबी मिलती है, कोई हलवे की प्लेट नहीं है कि ऐसे ही मतलब आसानी से वीडियो डालते रहेंगे और ये कामयाब हो जाएंगे, ऐसा कुछ नहीं होने वाला, खपना पड़ेगा। कितने दिन तक? 100 दिन तक। अब ये 100 दिन की लॉजिक क्या है, मतलब 100 दिन ऐसा क्या है इसमें? दोस्तों इसमें ये होता है कि YouTube जो है ना, अब YouTube पे कितने लोग आ रहे हैं डेली, नए चैनल बना रहे हैं, नए नए नए, अब YouTube हर एक को प्रमोट करता रहे तो बस फिर YouTube ही फेल हो जाएगा, YouTube पे ऐसी थकी थकी वीडियोज़ आने लग जाएंगी सामने। YouTube उसको ऊपर लाता है जो मेहनती बंदा है, ये मैंने ऑब्जर्व किया, जो मेरे साथ हुआ है मैं बता रहा हूँ। ये इस चैनल पे देखो माशाल्लाह 80,000 सब्सक्राइबर होने वाले हैं, ये क्यों YouTube ने ऐसे ही मतलब 5-6 महीनों में ही मुझे इतना बूस्ट कर दिया कि मेरे 80,000 सब्सक्राइबर हो गए? क्योंकि मैंने इस पर मेहनत की, YouTube को पता चला यार बंदा तो मेहनती है, ज़रा उठते चुको, तो उठा दिया उस चैनल पे 2.5 साल तक। क्यों नहीं YouTube मुझे ऊपर उठा रहा था, कभी डालता था कभी नहीं डालता था, ऐसे सुस्त मतलब गैर जिम्मेदार, जैसे मैंने जिम्मेदारी अपने सर ली कि यार डेली डालनी है, तो मुझे बुखार भी हुआ, बुरा हाल हुआ, पता नहीं क्या कुछ नहीं हुआ, मैंने शादियां छोड़ दी, मतलब शादी पे जाना छोड़ दिया, कहीं पे कोई गमी आ गई वहाँ पे भी जाना छोड़ दिया, दोस्त आ गए उनको छोड़ दिया, मतलब जागता रहा, कभी नेट नहीं आता था, कहीं जाके वाईफाई का कोड लेके वहाँ से अपलोड की। तो ये मैं इसलिए चीज़ें बता रहा हूँ कि आप लोग थोड़ा सा इन चीज़ों को समझो, मतलब एक जिम्मेदारी लेके काम किया तो मेरा चैनल चल गया, अब चल गया ना, अब सुकून से कमा रहा हूँ पैसे अल्हम्दुलिल्लाह। आप लोग भी ऐसे एक दफ़ा लगा लो जोर, ये हकीकत है जो मैंने आप लोगों को बताई, अगर इस टेक्निक पे अमल करोगे जो मैंने बताई है तो मतलब व्यूज़ की ऐसे बारिश होती रहेगी और दिल से दुआएं निकलेंगी कि यार जिसने भी ये बताया था, मैंने मेहनत तो कर ली, मेहनत तो आपकी होगी ज़ाहिर है, लेकिन बताया जिसने भी अल्लाह उसका भी भला करे, तो ये चीज़ है। तो दोस्तों मैंने आप लोगों को असर राज बताया, तो आप इस पर अमल करें, परेशान ना हुआ करें, अपने आप को यहाँ से इमोशनली स्ट्रॉन्ग करें, ठीक है, मेंटली स्ट्रॉन्ग करें। कब तक ऐसे मतलब सोचते रहोगे, परेशान होते रहोगे, यहाँ पे प्रेशर लेते रहोगे, इस प्रेशर को हटाओ, टॉपिक लिखो, 8-10 टॉपिक रजिस्टर लो, उस पर लिखो, वन बाय वन एक वीडियो डेली डालो, 2-3 डाल सकते हो 2-3 डालो, उनको अनलिस्टेड रख लो, अगले दिन डाल दो, मज़ा भी आएगा, एक मेहनत नज़र आएगी आपको काम में, जब करोगे अल्लाह भी साथ देगा कि बंदा इतनी मेहनत कर रहा है, कामयाबी इसको दे दो, अल्लाह दे देगा और फिर भाग लग जाएंगे, तो इंशाल्लाह आप ज़रूर कामयाब होंगे, क्योंकि आप में बहुत ज़्यादा टैलेंट है और आगे निकल सकते हैं, आप अच्छी वीडियोस बनाते हैं, लेकिन बस आप थोड़े से ढीले पड़ जाते हैं, वो ढीले नहीं पड़ना है, वो एनर्जी मैंने इस वीडियो में देने की कोशिश की है। तो आप अब कोशिश कीजिएगा कि डेली वीडियो डालिएगा, 100 दिन तक डालें, इंशाल्लाह चल जाएगा। दोस्तों अगर आपको लगता है कि यार मेरे चैनल में कोई मसला है या मुझे डाउट है या कन्फ्यूजन है, मैं उसको क्लियर करना चाहता हूँ कि मेरे चैनल में कोई मसला तो नहीं है, तो दोस्तों ये मैंने ऑनलाइन सहूलत दी हुई है, मैं आपका चैनल चेक करता हूँ
और ये 30 मिनट का सेशन होता है। इसकी सारी डिटेल आपको ये जो नंबर नज़र आ रहा है स्क्रीन पर, इस पर आप मैसेज करेंगे ऑटो मैसेज के थ्रू, आपको सारी डिटेल मिल जाएगी। इसके कुछ चार्जेस होते हैं क्योंकि ज़रा स्पेशल एक टाइम निकालना है और चैनल चेक करना है, तसल्ली से आपका एक एक चीज़ बतानी है तो आप इस पर मैसेज कर सकते हैं, आपको सारी डिटेल मिल जाएगी और आप अपना चैनल चेक करवा सकते हैं। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही, मैं आप लोगों के लिए ऐसे ही वीडियोज़ बनाता रहता हूँ, इसलिए चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करके जाइएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, अल्लाह हाफिज़।